हाय दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे पाताल लोक इस वेब सीरीज के बारे में जो कि रिलीज हुई अमेजन प्राइम वीडियोस पर। इस सीरीज में आपको तकरीबन 9 एपिसोड देखने को मिलेंगे, हर एपिसोड ऑलमोस्ट 42 मिनट से लेकर 46 मिनट के बीच में। खैर, इस सीरीज को लेकर बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो रही थी क्योंकि इसका जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था तब लोगों को असुर वेब सीरीज की वाइब्स आ रही थी। उसके अलावा इस सीरीज को लेकर एक और हाइप इसलिए थी क्योंकि यहां पर आपको बेहतरीन एक्टर देखने को मिलने वाला था, जैसे कि जयदीप अलावत, नीरज काबिया और अभिषेक बैनर्जी। खैर, इस सीरीज की कहानी की बात करो तो कहानी शुरू होती 4 क्रिमिनल्स से जिनको स्पेशल टास्क फोर्स की टीम पकड़ती क्योंकि उनको टिप मिलती कि भाई ये लोग एक मर्डर प्लान कर रहे हैं। वो मर्डर किसी और का नहीं बल्कि एक प्राइम टाइम जर्नलिस्ट संजीव मेहरा, तो इसलिए स्पेशल टास्क फोर्स तो उन क्रिमिनल्स को पकड़ लेती है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ओपन शर्ट केस है। तो इसलिए वहां के एक लोकल पुलिस ऑफिसर जिसका नाम है हाथीराम चौधरी, उन्होंने अपनी लाइफ में इससे बड़ा केस कभी सॉल्व नहीं किया था। उनके डिपार्टमेंट वाले उनका हमेशा मजाक उड़ाते, उनको किसी काम का नहीं समझते, उनके घर पे भी उनका बेटा उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता। इसीलिए हाथीराम चौधरी ये ठान लेते कि किसी भी तरह से मुझे ये केस सॉल्व करना ही करना है। तो उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं ये सब कुछ के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी जिसका नाम है पाताल लोक। मैं आपको बताता हूं कि सीरीज पर्सनली मुझे कैसे लगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज एक बहुत ही बड़ा तमाचा देती है सिस्टम और समाज को, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मुद्दे उठाए जैसे कि चाइल्ड अब्यूजिंग हो, अपर कास्ट लोअर कास्ट हो, मॉब लिंचिंग हो, या तो फिर पुलिस डिपार्टमेंट में किस तरीके से करप्शन या पॉलिटिक्स चलती है, वो सब यानी कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो आप डेली न्यूज़पेपर में या न्यूज में देखते होगे, तो वो सारे मुद्दों को यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से सीरीज में कवर किया गया। उसके अलावा जिस तरह से पूरी सीरीज में इन्वेस्टिगेशन को बताया वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर उन चारों क्रिमिनल्स के बारे में बचपन से लेकर जवानी तक का सब कुछ बताया कि वो लोग बचपन में कैसे थे, फिर वो किस तरह से क्रिमिनल बने, उनके साथ क्या क्या हुआ था ऐसा पास्ट में। यानी कि मेकर्स का साफ साफ ये बताना था कि भाई जितने भी 60-70% क्रिमिनल्स बनते हैं वो एक्चुअली हमारे समाज की वजह से बनते हैं। अगर हमारे समाज में कुछ भोसड़ी वाले हरामी लोग ना हो तो इस तरह के क्रिमिनल ना बने। यहाँ पर कहीं से भी क्रिमिनल्स को जस्टिफाई नहीं किया, लेकिन यहाँ पर बताया कि मोस्टली क्रिमिनल्स बनने की जो वजह होती है वो वजह क्या होती है। उसके अलावा आपको इस सीरीज में असुर और सेक्रेट गेम इन दोनों की याद आने वाली है। मैं मजाक नहीं कर रहा, लिटरली आपको इन दोनों सीरीज की याद आने वाली है। और मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि 2020 में वन ऑफ दी बेस्ट वेब सीरीज बनने वाली है। इस सीरीज को देखने के बाद काफी लोग कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई है, लेकिन मैं उन लोगों को सिर्फ इतना बोलूंगा यार, सीरीज और फिल्मों को सिर्फ एंटरटेनमेंट या तो फिर टाइम पास के हिसाब से लेना चाहिए, इसको पर्सनली मत लो। एंजॉय करो, देखो, नहीं पसंद आया तो उसको बंद कर दो या इग्नोर करो, वो आप पर है। लेकिन उस चीज को लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करना या एक फालतू का तमाशा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि पर्सनली अगर मैं सीरीज की बात करता थी कि मैं भी बहुत सारी चीजें देखता हूँ जो मुझे अच्छी लगती है, जो मुझे खराब भी लगती है, लेकिन मैं सोचता नहीं वो एक एंटरटेनमेंट है या तो एक टाइम पास के हिसाब से बनाया जाता है, तो उसको वहीं तक लेना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूँ सेक्रेट गेम सीजन 2 के बाद भी काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी क्योंकि वहां पर भी मॉब लिंचिंग या उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी बताई गई थी जो नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मेकर्स दिखाते क्योंकि एक्चुअली ये सब चीजें होती है जो न्यूज में या बहुत सारे वीडियोस में वायरल होते, तो वही सब चीजें इस सीरीज में भी बताई गई है। अगर असुर के बाद जेन्युइनली अगर कोई वेब सीरीज मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छी लगी तो ये है। आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक ये जगह से हिलने नहीं देती है। और परफॉर्मेंस की बात करो तो भाई जयदीप अलावत, नीरज काबिया, हालांकि नीरज काबिया का इतना कुछ खास यहाँ पर रोल मुझे पर्सनली लगा नहीं, लेकिन जयदीप अलावत सर ने यार यहाँ पर फाड़ के रख दिया। उसके अलावा मैं दूसरे एक्टर्स की बात करूँ कि यहाँ पर जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स है, चाहे वो इंस्पेक्टर अंसारी का जो रोल प्ले करते हैं उनका परफॉर्मेंस भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अभिषेक बनर्जी का तो मैंने पहले भी नाम ले चुका हूँ। उसके अलावा दूसरे और जितने भी छोटे मोटे जो जो रोल कर रहे थे सब लोगों ने अपने हिस्से का बहुत ही अच्छा काम करके दिखाया। और इस सीरीज की मुझे राइटिंग अच्छी लगी, सिनेमाटोग्राफी अच्छी और स्क्रीन प्ले काफी टाइट है इस सीरीज का। इस सीरीज में आपको बैड वर्ड्स, वायलेंस और एडल्ट सीन्स भी देखने को मिल जाएंगे, तो इसलिए ये सीरीज फैमिली और बच्चों के साथ बिल्कुल मत देखना। बस यार, इस वीडियो में इतना। अगर आपको सीरीज देखना तो आप इस सीरीज को जरूर देखना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तो साथ ही बेल आइकन उसे भी कर देना। प्लस मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। दिल दें दुआ में याद रखना।